हेलो। हाँ भाई, क्लियर हो जाएगा तेरा। ठीक है। हाँ बस बस। তোমার পেছনে গেল চুন্নু মুন্নু। কোথায় ও? सो गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग बोलो या गुड आफ्टरनून, क्योंकि काम करते करते अभी ऑलरेडी करीबन आप देख सकते हो एज 1 बज गए हैं। तो 1 बजे कौन गुड मॉर्निंग बोलती है, बट जो भी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है गुड आफ्टरनून। तो घर का फिलहाल काम हो चुकी है और आप लोगों से बातें करते टाइम में फैन भी ऑन नहीं रख सकते, अदरवाइज वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देंगे आप लोगों को। फिलहाल देखिए बेड वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है और वीडियो की शुरुआत में आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है घर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, जो कि घर का नॉर्मली काम होती है, वो घर का काम तो हो चुकी है जो सारे हाउस वाइफ इतने सालों से करते आ रही है ना, हैट्स ऑफ। क्योंकि पहले तो मैं ये कभी भी नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद नेचुरली जितनी भी आप जो भी कर लो, ये सब काम तो छोटा मोटा घर पे करनी ही पड़ती है। तो जो भी हो, और बर्तन धोते धोते किचन में काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड उस टाइम पे आए और आके बोले कि आज दोपहर को हम खाना नहीं खाएंगे घर पे, क्योंकि अचानक से प्लानिंग हुई है। उन लोगों के फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, जो भी मतलब काम के लोग हैं ना उधर पे, तो सारे ऑफिस में ही आज कुछ खाएंगे, बना के खाएंगे। तो इस वजह से मसाले वगैरह पीसने के लिए आए थे, मसाले लेके ही आए थे, जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब लेके आए थे पीसने के लिए। पीस के और कुछ मसाले वगैरह लेके गए हैं, साबुत मसाले। तो दोपहर पे वो नहीं खाएंगे, तो मैं अकेले खाने वाली हूँ। अकेले नहीं, चुन्नू मुन्नू है, डॉलर है। तो आज मैं मच्छी बनाऊंगी, क्योंकि मच्छी लेके आए हैं शायद, क्या मच्छी मुझे पता नहीं। अभी मैं मच्छी धोऊंगी, फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी और पूजा आज मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि गर्ल्स प्रॉब्लम जैसे होती है तो ये नेचुरल है, तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड जब आएंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर मेरे हस्बैंड पूजा कर देंगे। तो फिलहाल चलिए मैं जितना छोटा मोटा काम बाकी है कर लेती हूँ। एंड कपड़े धोने लायक तो बहुत है, बट अभी नहीं धोऊंगी, 2-3 दिन बाद एक साथ सारा जो भी कपड़ा होंगे धोने लायक वो धो दूंगी। बट आज ना वेदर सही थे, धोती तो अच्छा होता, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक बार में बाद में ही धोना, अभी तबीयत सही नहीं है तो ज़्यादा काम मत करो। तो ठीक है, उनका सराखों पे जो भी बोले। तो जो चलिए अभी मैं काम कर लेती हूँ बाकी का काम, मच्छी वगैरह धो लेती हूँ, अदरवाइज नहा के तो मैं वो काम नहीं करने वाली हूँ। और पहले तो काम करती नहीं थी, ये कुछ भी काम नहीं करती थी, बट शादी के बाद ऐसे काम तो करनी ही पड़ेगी। तो जो सारे लेडीज़ औरतें सालों भर से घर संभाल रही है, बाहर संभाल रही है, हैट्स ऑफ, कि इतना कुछ संभालना मुँह की बात नहीं होती है, मामूली बात नहीं होती है। तो चलिए वेदर देखिए गाइस, बाहर झकानाका वेदर है बिल्कुल। देखिए देखिए देखिए, वेदर बिल्कुल झकानाका वेदर है। चलिए ये देखिए गाइस, मैंने मच्छी भी अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी नमक और हल्दी में लगा लूँगी। तो कहाँ गया हल्दी, ये रही हल्दी, नमक नमक नमक, ये रही हमारा नमक। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक एंड हल्दी लगा लिया है, मैं फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। आ गया कच्चा मच्छी खाने। तो हो गया है मेरे मच्छी पे हल्दी नमक लगाने का काम, मच्छी का जो धोने वगैरह का काम था वो हो गया है धोना। अभी मैं नहा लूँगी झटपट से, फ्रेश होके देन मैं आती हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं फ्रेश होके नहा धो के बिल्कुल आ चुकी हूँ। अभी बस बाल को ऊपर बन बनाऊँगी, थोड़ी सी गीली है इसलिए ऐसे खुले हुए हैं। उसके बाद जो है मैं चली जाऊंगी किचन पे, कातला फिश एंड राइस प्लेन खाना बनाऊंगी। तो मसाले वगैरह सब कुछ रेडी है, बस अभी मुझे खाना पकानी है और तब तक के लिए मैं एसी ऑन कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर से जो है ना पसीने से भीग जाऊंगी मैं। खाना पकाते पकाते मैं भाग के ना रूम पे आ जाऊंगी। अच्छा
अच्छा टेक्निक है ना। कहाँ गया रिमोट? दोनों भी रूम पे घुस गया। इन दोनों को भी पता चल गई है कि अभी एसी ऑन होने वाली है, अभी घर पे राहत मिलने वाली है ना डालू? तो चलिए अभी मैं हवा खा लूँ ठंडी ठंडी और किचन में चलती हूँ, बाद में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। बाय बाय। मेरी क्लचर अभी फिर से खा जाते। तो अभी मैं निकाल लिया है कढ़ाई और इस पे मैं बिठा दूंगी। तो स्टार्ट हो गई है कढ़ाई गरम होना और इधर पे सरसों का तेल ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर पैकेट्स तो है उधर पे, वन सेकेंड, वो देखिए उस ऊपर पे है, बट मेरा हाथ जाना सीलिंग के ऊपर करीबन है तो इम्पॉसिबल है, हाथ जाना तो मेरा इम्पॉसिबल है। तो रिफाइन ऑयल से ही मैं कुकिंग करूँगी क्योंकि इतने ऊपर पे मेरा हाथ नहीं जाने वाली है। तो अभी मैं इसी से काम चलाऊँगी। इधर पे हो रही है ऑयल गरम और आप लोग सोचेंगे ये क्या है, ये है इमली जो कि इधर पे भरे हुए है इस बास्केट पे। तो जब मेरा मन होती है मैं इमली खाती रहती हूँ, ठीक है। तो स्पैचुलर, तो उड़न का जो खूंटी होती है ना वो निकाल लिया है। चलिए गरम हो रही है। एक ना आप लोगों को मैं मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए ये देखिए। आप लोगों ने बकरा देखा है ये, इसको तो देखिए, ये खरगोश है, ग्रीन लीव्स खाती है, ठीक है। लेकिन ये जो बकरा है पूरा देखिए क्या हालत किया है, घर साफ करके कोई फ़ायदा है? देखिए कोलमी शाक खाने के लिए मेरी चुन्नू मुन्नू को मैंने दिया था और ये इतना बदमाश है, इसको जब मैं खाना देती हूँ ना तो चुन्नू मुन्नू इसके खाने पे हमला करती है। तभी चुन्नू मुन्नू का खाना पे ये भी मतलब मुंह मार रही है, खाने की कोशिश कर रही है। तुम बकरा नहीं हो बाबू, तुम बकरा नहीं हो, मेरा बच्चा हो तुम। देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए कुछ कुछ इसको प्यार करने से इसका क्या क्या शैतानी होती है। देखिए हटो हटो, ये मेला बाबू है, मेला बाबू है, मेला बाबू है। देखिए 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 देखिए, पूरा दिन इन ये दोनों की देखिए बदमाशी। और हालत देखिए, हो ये रैबिट ने नहीं किया है, ये बदमाश ने किया है। देखिए बकरा, सफ़ेद बकरा देखिए कौन सा शैतान ऐसे करता है। देखिए मतलब इन दोनों को प्यार करूं या फिर डांटूं? वो भी खा रही है, उसको देख के इसे भी खाना है लेकिन खा तो नहीं पा रही है। देखिए हे राम, डॉलर की कोच्छो तो तुम्ही की कोच्छो बाबा, की कोच्छो बाबा, खाना हो गई। तो राइस बन रही है, राइस होने के बाद जो फिश के साथ, फिश धो के फिर राइस के साथ मैं डॉलर को दे दूंगी। की खाचो? और खाना बनाते बनाते ना मैं रूम पे आके थोड़ी सी लेट रही हूँ, पूरा चिल ठंडा रूम है, इतना
आराम लग रही है, मुझे लग रहा है कोई काम ही ना करो। अभी खाने का भी टाइम हो गई है, राइस हो रही है, और अकेले के लिए ना खाना बनाना भी अच्छा नहीं लगती है, लेकिन डॉलर भी खाएंगे वो सोच के मैंने बनाई है। लेकिन अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, मतलब आलू बॉयल, वेजिटेबल्स बॉयल, देखिए घी के साथ भी मैं खा लेती हूँ, फिश वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती अगर मैं अकेले खाऊँ। डॉलर को भी खाना देना है लंच पे, मैं रूम पे आई वो भी आ गए। हेलो बकरा, बकरा कहाँ गया? हमारा बकरी ना बकरा है ये। हे, घास फूस खाए, अच्छा लगा। आज से मैं डॉलर को घास फूस ही खाने के लिए दूंगी, कच्चा जो चुन्नू मुन्नू खाती है वही मैं दूंगी, क्योंकि इतना फनी लगती है देखने में कि चुन्नू मुन्नू को देख के उसे भी खाना है, कि वो खाने का चीज़ है खा नहीं पाती है लेकिन मुंह में लेती है, ये देख के इतना हंसी आती है ना मुझे, क्या ही बताऊँ। कोई डॉग कोई कच्चा सब्जी थोड़ी खाता है। हाँ देखिए उसका जगह पे वो लेट गई। चलिए खाना होने पे, मुझे भी भूख भूख लग रही है, डॉलर को भी खाना देना है। मेरी बेटी मेरे हस्बैंड आके फ्रेश होके पूजा कर रही है, मैंने खाती हूँ। चौकी है ना, मतलब पूजा आसन, उसके नीचे जाके छुप के बैठे हुए हैं। तो ये देखिए अंदर को, फैन वगैरह सब ऑन कर दिया है, क्योंकि बिना फैन की हमारी डॉलर रह नहीं सकती है। और फिलहाल अभी टाइम हो रही है, देखिए 7:30 बज चुके हैं, और अभी जाओ 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 नीचे जाओ नीचे नीचे नीचे। तो अभी 7:30 करीबन बज चुके हैं, और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे घर की तरफ। तो कुछ काम है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं, और उसके बाद नानी घर पे भी जाना है, और मेरी सिस्टर इन लॉ की आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। मेरी वीडियो कभी कभार देखते भी है, अगर देख रहे होंगे सो हैप्पी बर्थडे, एंड बहुत खुश रहिए हमेशा, और ऐसे ही हमारे साथ देते रहिए। और तो जो भी हो, अभी सिस्टर इन लॉ को पहले फ़ोन करेंगे, अगर वो घर पे रहेंगे तो छोटी मोटी केक कटिंग भी हो जाएंगे, तो देखते जो भी होंगे देखा जाएंगे। तो फिलहाल वो गेट भी लॉक हो चुकी है, इधर पे भी डॉलर है इस रूम पे, और चुन्नू मुन्नू हॉल पे खुले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। हाँ बस एक लाइट ही काफ़ी है, उधर पे एक लाइट ऑन है। चलो, तो काफ़ी दिनों के बाद वही हमारा घर, मेरा बचपन की यादें। तो कुछ काम से आए थे, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी सब खुल के। तो जो भी हो, घर का हालत बहुत ही बिखरा हुआ है, देखिए क्या हालत है। तो जैसे लोग ना होने से जैसे होते हैं, बट जो भी हो, सिस्टर इन लॉ के लिए जैसे कि मेरी बिजनेस के जो कुर्तीज़ है, नाइटीज़ है, उसी में से ज़्यादातर मैं कोई भी ओकेशन हो ना उसी में से दे देते हैं। तो ये वाला जो कुर्ती है, ये वाला कुर्ती, वन सेकेंड, कलर भी बहुत यूनिक सी है, तो मुझे लगा ये ही वाला दे देती हूँ अभी जो फ़िलहाल है। और ये वाला एक ना, मैं नाइटी होती है ना, जो ए लाइन जो नाइटी होती है इस तरीके का, ये दूंगी, एंड केक लूंगी। फिलहाल अभी हम लोग नानी घर जाएंगे, नानी घर में नाना नानी से देखा हो जाने के बाद फिर जो है हम सिस्टर इन लॉ के घर जाएंगे। तो यही था, चलिए जितना हो सकेंगे मैं व्लॉग में शेयर करूंगी। चलिए नानी घर जाके फिर मैं अगर हो सके कैमरा ऑन करूंगी, क्योंकि उधर पे ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं करती हूँ, अगर हो पाए तो कैमरा ऑन करूँगी। ठीक है, चलिए चलो बेरा। तो घर से निकल गए हैं, और ये अंधेरा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, और इधर पे जो घर थे ना वो भी अभी नया घर बन रही है बगल में, तो इस वजह से हालत ऐसा है। और आप लोग सोचेंगे ये कुर्ती चेंज कैसे हो गई, तो वो वाला मैं उतार के ना सिस्टर इन लॉ के घर जाऊंगी, तो ये नया एक कुर्ती था घर पे, वो मैंने पहन लिया है। ठीक है, वो वाला उतार के ये वाला नया मैंने पहन लिया है। चलिए
तो दीदी घुमा दी केक लेना भी हो गई है तो चलिए अभी चलो उठो तो गाइस ये देखिए हमारा आज का बर्थडे गर्ल मेरी सिस्टर इन लॉ। जैसे कि मैंने आप लोगों को घर से निकलते हुए बोली थी तभी केक कटिंग होंगे, बाबू तो गेट भी बंद कर रहे हैं पता नहीं। सो हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू अशनाई। हेलो और तो दीपक दा कुछ चाय वाय बना रही है शायद थोड़ी देर बाद में फिर से मिलती हूँ आप लोगों को। और आते ना आते दीदी रोना धोना स्टार्ट, इमोशनल हो गए थे थोड़ा सा, फिर अभी ठीक हो गए। बर्थडे वाला दिन रोना धोना भी कर लिया। चलिए देखिए भाई बहन का प्यार फिर से भी चॉकलेट। शाम को भी, शाम को नहीं कल रात को भी केक कटिंग हुए थे। रात को केक कटिंग हुआ था, अभी गिफ्ट हो रहा चॉकलेट। हाँ अभी चॉकलेट अभी भी केक कटाएगा। भाई का प्यार अपने बहन के लिए देखिए देखिए देखिए। और नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है हमारे साथ नया और एक फैमिली मेंबर भी ज्वाइन हो जाएंगे केक कटिंग पे, है ना। चिकन चाप मटन चाप चिली चिकेन देखते आलू बुखरा तो इतना सारा रुमाली रोटी है इस तरह के पराठा। तो जस्ट गाइस अभी घर पे आए हैं, गए थे एक हुलिया में और घर आए हैं एक हुलिया में। वन सेकेंड ए शुशु को दिलो दाखो। अरे डल्लू देखिए एक्साइटेड, देखिए लग रहा है कितने परसों के बाद मिला है। तो जो भी हो गाइस बहुत थक गई हूँ, खाना खा के पेट फुल हो गया है। फिलहाल अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी और डॉलर को खाना दूंगी और मैं सो जाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ तब तक के लिए बाय। और गर्मी में हालत खराब हो गई इतना गर्मी है। तो चलिए मैं रेस्ट लेती हूँ। चलिए चुन मनु पूरा घर देखिए, हालत देखिए।
हाँ ये रूम था, ये वाला रूम हमारा बेडरूम बहुत ठंडा है। हाँ हाँ चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स गाइस। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता।